Okay. So this part is done. And see, hold it very lightly. Put the upper part. Done. Not no ma'am. It. See, only this much black is required. Now next color, brown. Just apply over this black. You have to apply this brown color over black color. And again, see what I have done. I have done dark over here. And when I am doing it this side, this color should be light. You have to hold it lightly. Like this. This part is again dark. When you're moving this side, then again hold it lightly for lighter effect. Wherever you have used the black color, there must be you have to use the dark brown also. ब्लैक के ऊपर डार्क ब्राउन करो पहले, नहीं यहाँ पे करना ब्लैक यूज किया उसके ऊपर ही ब्राउन को डार्क यूज करो, एंड अदर एरिया पे आप लाइट यूज करो. ऐसे ये लाइन के ऊपर भी फर्स्ट डार्क, यहाँ पे भी ब्लैक यूज किया गया है उसके ऊपर ब्राउन भी डार्क यूज करना है. और उसके बाद ये होल्ड को कलर जो पकड़ रहे हो ना, ये पकड़ को हल्का करो और कलर को लाइट चलाओ. करेक्ट। यू हैव टू मिक्स इट लाइक दैट ओनली, ब्लैक दिखना ही नहीं है. अंदर में भी ब्लैक यूज किया था, तो ये ब्लैक के ऊपर ही ब्राउन को यूज करना है. ब्राउन थोड़ा और डार्क देखे ऐसे. ब्राउन को भी डार्क करेंगे और फिर लाइट लेंगे ब्राउन भी. यहाँ से लाइट लो, यहाँ पे दो दो लाइन्स लाइट करना ब्राउन का लाइन जो साइड में भी दे रहे थे, है, शेडो को फॉलो करते जाना है जो आपने बनाया ना डार्क ब्राउन, उसके साथ ही लाइट। कार्टून हल्के से बहुत हल्का लाइन हो ऐसा. इसके नीचे ऐसे दो लाइन ना करो, ये लाइन ना करो, फिर स्टैंडिंग लाइन ऐसे करो। हाँ, ओके, सो नेक्स्ट कलर इज ऑरेंज. सो वेयर यू हैव टू पुट ऑरेंज कलर, सी द लाइटर एरिया ऑफ दिस ब्राउन कलर. ब्राउन कलर के जो लाइटर पार्ट है इसके ऊपर से ही ऑरेंज को ड्रैग करना, ताकि कोई भी व्हाइट लाइन ना दिखे. तो यू अप्लाई दिस ऑरेंज कलर ओवर दिस ब्राउन. वेयर यू आर गेटिंग दिस व्हाइट बॉक्स, हियर यू आर सप्लाई ब्राउन, सॉरी ऑरेंज.
थोड़ा सा ही देना है, ज्यादा नहीं। व्हाइट नहीं लिखना चाहिए, जो ब्राउन के अंदर व्हाइट है ना, जस्ट कवर दैट विथ ऑरेंज। हाँ तो ऑरेंज को भी थोड़ा हल्का कर दो, लाइट। सिमिलर प्रोसेस, ब्राउन जैसा किया था, डार्क टू लाइट छोड़ दिया था, ऑरेंज को भी वैसे ही ब्राउन के ऊपर आपने चलाया, फिर ब्राउन के जैसा ही ऑरेंज को भी लाइट छोड़ देते हो। हाँ, लाइट तो छोड़ो, ऑरेंज अब लाइट करो, हो गया ना डार्क, अब लाइट करो ऑरेंज, राइट हैंड। तो लाइट कर दो। हाँ दैट्स इट, दैट्स इट। यहाँ पे भी हाँ स्ट्रोक, हाँ डार्क हाँ बस बस बस, एंड लाइट अभी नहीं, ऊपर अपोजिट साइड में भी थोड़ा, क्या अभी मेन आते हैं, थोड़ा रिफ्लेक्शन का काम रहेगा। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोग येलो यूज करेंगे एंड थोड़ा व्हाइट स्पेस भी छोड़ेंगे। येलो कहाँ पे अप्लाई करना है बता सकते हो आप? येलो कहाँ लोग अप्लाई करना है। कंटिन्यू सेम प्रोसेस यूज कर रहे हैं, आइडिया लगाओ येलो कहाँ पे यूज करेंगे अभी। पर्पल, ऑरेंज पर करेक्ट, ऑरेंज का जो ऐसे डॉटेड लाइन हो गया है ना, ये वाला एक हिस्सा है जो लाइट हमने बनाया है, उसके ऊपर से ही येलो को अप्लाई करेंगे ताकि कोई भी व्हाइट लाइन विजिबल ना हो इसके अंदर और कलर अच्छे से मर्ज हो जाए। अभी ये येलो भी थोड़ा लाइट करके लेके आएंगे और पहले छोड़ दो। ऑरेंज के साथ मर्ज करेंगे, फिर एक लाइट लेंगे बाहर। हाँ ऑरेंज के ऊपर मर्ज आपका करो, ऑरेंज हो गया है ना कंप्लीट? ऑरेंज के ऊपर करो पूरा। ऑरेंज के ऊपर से करो, जहां पे ऑरेंज एकदम लाइट हो गया था ना उसके ऊपर से करो, देखना कि कोई भी व्हाइट लाइन विजिबल ना हो। ठीक है, फिर ये येलो कलर को भी धीरे धीरे जस्ट थोड़ा सा ही लाइन हल्का कर, ऐसा। एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में भी वही चीज करना है, जहां पर हमने थोड़ा सा ऑरेंज यूज किया था वैसे भी हल्का छोड़ देना। यहाँ पे एक लाइन छोड़ा था, यहाँ पे मैं ऑरेंज थोड़ा सोलो दे रही हूँ। ऊपर वाले हुआ पार्ट पे भी वही होगा जहाँ पे ऑरेंज इसी छोड़ा था, तरह उसके ऊपर सोलो का ऐड किया। जैसे जगह को ऑलराउंड वही चीज था, और ये जो सर्कल था यहाँ पे चलो देख, पॉट का जो एंड एरिया था ऑरेंज क्या आपने। व्हाइट स्किप किया है ना, व्हाइट स्किप करना जरूरी है, सो व्हाइट छोड़ना ही है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग व्हाइट के ऊपर ही व्हाइट ऐड करेंगे। लाइक दिस यस, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। हम नेक्स्ट देखो, अभी व्हाइट छोड़ा है ना, ओवर दिस व्हाइट एरिया टू क्लीन द सरफेस ऑफ दिस व्हाइट, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे कलर लगे रहते हैं फिर खराब हो जाते हैं। मैंने क्लीन कर लिया है, देख लिया है यहाँ पे कुछ कलर नहीं है,
अभी मैं व्हाइट के ऊपर ही व्हाइट को अप्लाई करूँ, जो डायरेक्शन में रखा हूँ वही डायरेक्शन में यूज करना है कलर। और ये जो साइड में थोड़ा सा हल्का येलो छोड़ दिया था उसके ऊपर थोड़ा ड्रैग कर दे मिक्स करने के। क्या आपको कुछ ऐसा सॉफ्ट फिनिशिंग आएगा? हाँ वो विद द स्टैंडिंग लाइन। और ऊपर में भी जो जगह छोड़ा था उसमें वही चीज थी। यस डन, पॉट का पार्ट तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं फ्रूट्स पे। एप्पल से कलर चालू कर दो, हो गया तीन कलर ही चाहिए एप्पल के लिए। ब्लैक चाहिए थोड़ा वापस, रेड एंड येलो, ये तीन कलर ही यूज करने वाले। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये जगह पे थोड़ा डार्क शेडो दिया, व्हाट ब्लैक ब्लैक। आई एम स्टार्टिंग विद ब्लैक। मैंने आपको बताया ना कि हम लोग थोड़ा सा जो बनाते हैं उससे थोड़ा एडवांस लेवल पर बनाएंगे, तो जनरली हम लोग ब्लैक अवॉइड करते हैं। हम लोग ब्लैक से चालू कर रहे हैं इस बार, ठीक है? डार्क टू लाइट प्रोसेस ही फॉलो होगा, लेकिन हम लोग ब्लैक यूज करेंगे इस बार। ब्लैक को बहुत हल्के से देना, नीचे का पार्ट पे शेडो होना चाहिए। कलर जब कर रहे हैं तो उसका लाइट एंड शेड का कॉन्सेप्ट को समझो। ये साइड में ब्राइट आ रहा है मतलब लाइट ये साइड में आ रहा है, तो हर ऑब्जेक्ट पे लाइट का एरिया कुछ इसी साइड में ही रहना चाहिए, ये ध्यान में रखना, ठीक है? और ऑपोजिट साइड डार्क होगा। बहुत ज्यादा ब्लैक मत कर देना, खराब लगेगा। थोड़ा ही ब्लैक यूज करेगा, इतना है ना। नेक्स्ट दिखाऊं, हो गया? नेक्स्ट रेड, रेड को एप्पल का जो शेप है शेप वाइज चलना। फर्स्ट ये एक लाइन, दिस इज नॉट ब्राउन, व्हेन यू आर अप्लाइंग ओवर दिस रेड इट विल लुक लाइक ब्राउन। इफ यू वी अप्लाई रेड ऑन ब्लैक इट विल लुक लाइक ब्राउन। ये डार्क हो जाता है ना, तो नीचे का पोर्शन वैसे भी डार्क होगा, तो इसलिए हम तो डार्क से चालू कर रहे हैं। और ये रेड को थोड़ा ऊपर की तरफ लेके आएंगे हल्का कर। राइट हैंड लाइक हाउ यू हैव डन दैट, बस उसके ऊपर ही करना है। एप्पल के शेप वाइज कलर को करने की कोशिश करनी। इन द सेम वे एकदम डार्क नहीं करना है आपको, जैसे आप लाइट हैंड से करते हो वैसे करो। पूरा एप्पल रेड में ही करेंगे, ध्यान में रखना। इतना किया इसके बाद जस्ट कलर को थोड़ा हल्का हल्का यूज करो, नहीं करो जितना मैं करो। रेड को भी हल्के से ही यूज करो, जितना व्हाइट स्पेस छोड़ी हो उतना व्हाइट स्पेस को छोड़ने की कोशिश करो।
ठीक है, देखो इतना व्हाइट स्पेस छोड़ा है मैंने। अब करते हैं ऊपर की तरफ, करते हैं शेप कैसा है। आपको चाहिए तो नीचे का वाले पार्ट को और थोड़ा डार्क रेड को यूज कर सकते हो, तो ऊपर हम लोग लाइट यूज करने वाले हैं। इतना यहाँ का तो डार्क हो गया, इतना हो जाए तो बताओ मुझे। ओके फिनिश नेक्स्ट कलर ले लो, येलो कलर। ये रेड जहां पर लाइट छोड़ा था तो वहां थोड़ा चलाएंगे। पे, रेड में व्हाइट है ना उसके ऊपर चल, और ये जो बीच में व्हाइट है उसको कलर नहीं करना है। हाँ व्हाइट एरिया को कलर मत करना। फिनिश ओके देखो अभी यहाँ पे एक लाइन दिया था, ये लाइन को रेड वापस से दो, ये जगह रेड और यहाँ पे थोड़ा सा रेड को और स्प्रेड कर। ठीक है, हाँ फिनिश अभी जहां पर रेड दिया उसके ऊपर थोड़ा सा वापस येलो कलर को अप्लाई कर दे। हाँ, व्हाइट वाले को कवर नहीं करूंगा। अभी देखो कितना स्पेस छोड़ा है व्हाइट, इतना ही स्पेस रहना चाहिए, ज्यादा नहीं। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है कि वापस से जो व्हाइट स्पेस है वहां पे व्हाइट को अप्लाई करेंगे। व्हाइट अप्लाई करने से पहले व्हाइट कलर को देख लीजिएगा कि यहाँ पे कोई स्पॉट वगैरह दूसरे कलर का है कि नहीं। सिर्फ व्हाइट के ऊपर ही चला उसको। जैसे आप जो डायरेक्शन में आपने लाइन को छोड़ा था उसी डायरेक्शन में व्हाइट को चलाना होगा। लाइक चलो वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कलर किया आप।